हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सर्दी का मौसम आते ही खांसी, जुकाम, गला खराब, नाक बंद और सांस लेने में तकलीफ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को नेबुलाइज करना पड़ता है, कुछ लोग इनहेलर लेते हैं सुबह शाम, फिर भी उनकी सांस की तकलीफ ठीक नहीं होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है आजकल, और विशेष रूप से जो है, जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आम तौर पर देखने को मिलती है। आयुर्वेद में 5 प्रकार के श्वास रोग यानी कि 5 प्रकार के अस्थमा, उनका वर्णन है, और उसमें से जो एक है जिसको हम तमक श्वास कहते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको कहते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। मुख्य रूप से कफ दोष के कारण होता है, यानी कि जब कफ ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कफ हमारे फेफड़ों में जमा हो जाए, श्वास नली में और फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है, उसके कारण ही होता है। दूसरा, यदि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा दूध से बनी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स आप सेवन करते हैं, पाचन यदि आपका कमज़ोर है, खाना ठीक से पचता नहीं है, आम बनता है, म्यूकस बनता है, ये भी दमा का कारण बनता है। और कुछ लोग जो बहुत ठंडी चीज़ें सेवन करते हैं, ठंडी यानी कि जैसे बहुत चिल्ड फ्रिज की चीज़ें, सर्दी में भी लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं, ठंडा पानी पीते हैं कई लोग, तो उसके कारण भी अस्थमा रोग जो है पैदा होता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आयुर्वेद आपके साथ है। हम आपसे बात करेंगे आज किस प्रकार से आप आयुर्वेद के माध्यम से अपने इस रोग को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। अस्थमा से यदि आप पीड़ित हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपका जो भोजन है वो हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि अगर भोजन पचेगा नहीं तो वो बलगम बनाएगा, म्यूकस बनाएगा, उससे आपको नुकसान होने वाला है। हरी सब्जियां खाएं, पत्तेदार सब्जियां, मेथी, बथुआ, पालक का सेवन करें, मूली गाजर की सब्जी बना करके आप खा सकते हैं। इसके अलावा मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, इसका सेवन कर सकते हैं। दलिया या ओट्स जो होता है उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। अनाज में गेहूं, बाजरा और मक्का, इनका सेवन कर सकते हैं। रागी भी अच्छा है। और हमेशा याद रखिए कि गुनगुना पानी आपको पीना है, हल्का गर्म पानी पीना है, उसमें चाहें तो थोड़ा अदरक डाल करके उबाल करके वो पानी पीना चाहिए। यदि आप दूध पीना चाहते हैं तो दूध जो है बिना क्रीम के लेना है, और उसमें भी थोड़ा अदरक, थोड़ी दालचीनी और एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको पीना है। इस प्रकार की डाइट आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। यदि आप अस्थमा से पीड़ित हैं तो एक सरल सा नुस्खा आपको बता रहा हूँ। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इसको त्रिकटु चूर्ण हम आयुर्वेद में बोलते हैं। सौंठ, काली मिर्च, पिपली तीनों का चूर्ण बराबर बराबर मात्रा में लेकर के मिला लीजिए, और इसमें से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को आपको शहद में मिला करके सेवन करना है। च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत ही अच्छा रहता है। जो भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको हमेशा च्यवनप्राश खाना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों को ताकत देता है। एक बहुत अच्छा एक पानी हम बताते हैं कि 1 लीटर पानी लें, उसमें 1 चम्मच सौंठ जो जिंजर पाउडर होता है, 3-4 काली मिर्च, तुलसी के पत्ते 5-6 डाल दीजिए, और 2-3 लौंग, ये पानी उबाल दीजिए अच्छी तरह इसको, और इसको छान करके एक थर्मस में भर के आप रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी आप दिन भर इसमें से पीते रहिए, उससे आपके लंग्स भी क्लियर रहेंगे और किसी प्रकार का म्यूकस बलगम भी आपके फेफड़ों में जमा नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो है सरसों का तेल, उसमें थोड़ा लहसुन पका करके रख लीजिए, उसको आपको अपने लंग्स के एरिया में, चेस्ट में जेंटल मसाज करना है, उसको गर्म करके मालिश करना है, आगे पीछे कमर साइड में जहाँ भी आपके फेफड़े हैं उसको मालिश करने से, उससे भी थोड़ा सा जो अंदर जो म्यूकस होता है, बलगम होता है, वो सॉफ्ट रहता है। मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है। आधा चम्मच मुलेठी आप 1 कप पानी में घोल करके पिएं, उससे जो है खांसी भी आपकी ठीक होगी और अंदर से बलगम को भी, म्यूकस को भी मुलेठी बाहर निकालती है। अस्थमा के पेशेंट्स को स्टीमिंग से भी बहुत लाभ होता है।
गर्म पानी में थोड़ा अजवाइन और पुदीने के 3-4 पत्ते डाल करके उससे सुबह शाम स्टीम लेने से भी आपको बहुत लाभ होता है। अब जानते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। अस्थमा के पेशेंट्स को हमेशा ध्यान रखना है कि दिन में आपको नहीं सोना है, रात को समय से सोना है और सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठ करके नियमित रूप से थोड़ा प्राणायाम अवश्य करिए। प्राणायाम करने से जो है हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, लंग्स की एक्सरसाइज होती है और उनमें थोड़ी शक्ति आती है। और इसके अतिरिक्त जो है लाइफस्टाइल में आपको ध्यान रखना है, ठंड के मौसम में विशेष रूप से अगर बाहर आप निकलते हैं तो मास्क लगा करके जाएं और साथ में गर्म कपड़े अच्छी तरह से आपके, विशेष रूप से आपकी जो चेस्ट है वो गर्म रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ठंड के संपर्क में आप आएंगे तो आपका अस्थमा जो है वो एकदम से एग्रीवेट हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं कि क्या ना करें। यदि आप अस्थमा से पीड़ित हैं तो आपको विशेष रूप से कफ बढ़ाने वाला जो भोजन होते हैं, हमारे यहाँ जो लिखा है, जैसे कि उड़द की दाल है या राजमा है या पराठा है या कोई भी डीप फ्राइड चीज़ है, उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। साथ में जितनी भी चीनी से जो बनी चीज़ें हैं, खासतौर से मिठाई है या कोई भी चीज़ जिसमें चीनी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आजकल लोग, या कोई ऐसी ड्रिंक जिसमें कि बहुत ज़्यादा चीनी है, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। दही का सेवन नहीं करना है, दूध जो मलाई युक्त दूध है उसका सेवन नहीं करना है, चिकनाई ग्रीजी जो फूड होता है उसका सेवन भी आपको नहीं करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो है लंग्स भी मजबूत रहेंगे और आपका जो अस्थमा का रोग है वो बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि रोग कोई भी हो, छोटा रोग हो बड़ा रोग हो, उसका उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। और उपचार करने के लिए आपको बात करनी है जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ। वो आपसे एक पर्सनल कंसल्टेशन करेंगे और आपके रोग को समझकर आपको एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देंगे। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए पंचकर्म चिकित्सा भी बहुत अच्छी रहती है। पंचकर्म के लिए आप हमारे डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हैं और जीवा की क्लिनिक्स में या जीवाग्राम में आ करके आप अपने पंचकर्म चिकित्सा करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।